तेरे ससुर जी का मेरे बिना गुजारा नहीं होता। ये वाला व्यू जो आपने हमेशा में इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा। सो गाइस फाइनली आज मैं शूट कर रही हूँ अ डे इन माय लाइफ, जो कि आप देख सकते हो। आज सारा दिन आप देखोगे मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:06 बजे, मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया था, इतनी अच्छी मम्मी हूँ मैं। सो उसके बाद अब मैं बैठी पीने लगी हूँ, जो कि मेरा पति बना के लेके आया, मैंने खुद नहीं बनाई है। और आपको मेरे डार्क सर्कल्स देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम। मेरे बेटे के चल रहे एग्जाम और एग्जाम के नमूने तो आप ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख चुके हो। सो चलो हम फटाफट से पीते हैं बैठी, जिसमें मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफी का एक शॉट। उसके बाद थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज करनी होगी तो करूंगी, अदरवाइज आप तो देख ही रहे साधन में क्या करूंगी। मैं सबको बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी का मेरे बिना गुजारा नहीं होता। हर मिनट में मेरे को एक आवाज पड़ती पड़ती है, रूही रूही रूही। सो ससुर जी आपका हालचाल ठीक है? उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था, बट अभी ठीक हो आप? इतने ज्यादा ठीक है कि इन्होंने हमारी जान खाई हुई है। सासु माँ जी बहुत बुरी हालत में आपको दिख रही होंगी, आर यू रेडी? क्योंकि इन्होंने किचन संभाली हुई है, किचन में बन रहा है भरता, अदरक की तरी। और जो लोग मुझे अब जज करेंगे कि मैं घर का काम नहीं करती, मैं कुकिंग करती हूँ दोपहर को, सुबह की जो सारी ड्यूटी होती है सासू माँ की, और सारा मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे आज हम करते हैं। सो नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी, ऐसे ही मैं सारा दिन बन के रहती हूँ। जब मुझे कभी शूट करना होता है तब मैं अच्छी तरीके से, जैसे कि अभी मैं दोपहर को लाइव होंगी उसके लिए मैं फटाफट से अभी रेडी होंगी, लेकिन रेडी भी आपके सामने होंगी। तब तक ही नहा धो लिया, फटाफट से करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद बनाना है नाश्ता। नाश्ते की सब्जियां तो सासू माँ बना ही चुकी हैं, मैं सिर्फ फुलके या परांठे बनाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और मैं आपको बता दूं कि सारा दिन मैं ऐसी ही रहती हूँ, ऐसे छोटा सा मुंडू बन के आप कह सकते हो, लौंडा बन के घूमती हूँ, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा पति मुझे सारा दिन बोलता रहता है। आज हमारे घर का वेदर देखो, इधर कितना ही सुंदर लगता है। ये सारा मेरा छोटा सा गार्डन है, ये हमारी बालकनी है, और यहाँ से वहाँ पहाड़ भी दिखते हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे, आई होप आपको दिख रहे होंगे, तो पहाड़ भी हमारे इधर से दिखते हैं। यहाँ से चेक करो व्यू जरा, ये देखो देखो कितना ही सुंदर लगता है, और वो पहाड़ दिख रहा होगा है ना। और ये रही मैं फ्रेम में, सुबह सुबह पार्ट पूर्ट करके मैं फ्री हो गई हूँ। मेरी आवाज शायद आपको कम आ रही होगी, बट नो वरी। सो सुबह के बज गए 10 और अब मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। यहाँ बन रही है मिस्सी परौंठियाँ, और एक साइड पे बना है भरता, और एक साइड बनी है अदरक की तरी। ये अदरक की तरी जो है ये दर्दों के लिए बहुत अमेजिंग होती है, इसके बहुत ज्यादा फायदे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। बाय। ब्रेकफास्ट में है जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, चाय के बिना मैं ब्रेकफास्ट छोड़ती नहीं। बिना चाय के मैं ब्रेकफास्ट तो दिन में सिर्फ 2 बार ही चाय पीती हूँ मैं। ये वाला व्लॉग कुछ ज्यादा ही जेन्युइन हो जाएगा, आप मेरी हालत देख सकते हो। सारा दिन मैं ऐसे ही, मतलब कि तैयार में बहुत कम ही होती हूँ। लोग सोचते होंगे कि मैं तैयार होके रहती हूँ, मैं तैयार नहीं होके रहती, मैं ऐसे ही रहती हूँ। खाना पीना मैंने खा लिया है, अब मैं थोड़ी देर आलस करूंगी, थोड़ी अपनी एडिटिंग करूंगी। उसके बाद मेरे को 1 बजे करीब मैं शूट करती हूँ अपनी लाइव वीडियो कुकिंग वाली, उसके लिए मैं रेडी होंगी, और आपको डायरेक्ट मैं 1 बजे मिलूंगी अपनी लाइव सेशन। सो यस गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ पूरी की पूरी, ऐसे तैयार होकर मैं शूट करती हूँ। अभी सिर्फ 12 बजे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, 1 बजे मैंने शूट स्टार्ट करना है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। बाय द वे आप बताना कि मैं कैसी लग रही। सो गाइज, लाइव मैंने कर ली थी अपने, जो आज मैंने लाइव करी वो बनाए थे मैंने वेज नॉन वेज मोमोज, और ट्रस्ट मी इतने अमेजिंग मोमोज बने थे, आप जनता से पूछना चाहोगे, जनता जवाब दो, बहुत बढ़िया मोमोज थे, बहुत अच्छे थे। चलिए, मेरा पति फ्रेम में एज यूजुअल नहीं आना चाहता, बट कोई बात नहीं। अब टाइम हो रहा है 4:30, इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए, घर वालों के लिए, और उसके बाद मैं कर लूंगी डिनर। मैं शाम को 5, 5:30 और 6 मैक्सिमम, इतने टाइम में डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ ना, आपको पता है, बस यही मेरी फिटनेस का राज है। सो ये है मेरा मी टाइम, और यू कैन से चाय टाइम, जिसमें मैं चाय अपनी इंजॉय करती हूँ, और मेरे को कोई नहीं चाहिए इस टाइम पे। 5, 5:30 बजे मैं चाय अपना आराम से पीती हूँ, चाय और डिनर भी सब एक टाइम में कर लेती हूँ। और मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी बिकॉज मैं शूट करके हटी हूँ, और जो ये जो कपड़े मैंने पहने हैं बस चेंज कर लिए मैंने, जो सुंदर लगना था वो मैं सिर्फ लाइव के लिए सुंदर। पढ़ाई कर लो अब जरा बेटे, कल इंग्लिश का एग्जाम है, परसों चला रहे यहाँ से।
टाइम मैं बाहर बैल्कनी में खड़ी होती हूँ और ये वाला व्यू जो आपने हमेशा में इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा, ये वाला व्यू, ये मेरे घर की बैक साइड है। ये मेरा बेटा और मैं। सो ये मेरा बैक वाला गार्डन है और ये रात की रानी जो मुरझा गई, ये मेरी फेवरेट पेड़ है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। थोड़े बहुत से यहाँ पे पेड़ है इनको, जिनको मैं पानी देती हूँ रोज शाम को। आई नो शाम को पानी नहीं देना चाहिए बट क्या करूँ, मैं तो शाम को देती हूँ, शाम को टाइम मिलता है। ओके, ये मेरा नींबू का पेड़ है। अच्छा, अपने पेड़ों को भैया थोड़ा देख लिया और मैंने यहाँ पे एक न्यू पेड़ लगाया था, वो भी आई थिंक उग गया है, आपको सर्दियों में बहुत सुंदर सुंदर सांस देखने को। सो हो गई है रात, एकदम अपना मुंह हाथ सिर सब कुछ धो के एकदम फ्रेशन अप हो चुकी हूँ मैं, और डिनर मैंने करना नहीं था तो मैंने ये थोड़ा सा ले लिया और खाने के लिए, क्योंकि रात शाम को आज मैंने कुछ खाया नहीं था। और उसके बाद अब मैं लूंगी अपनी ऑनलाइन की एक मेकअप क्लास जो रात को मेरी होती है, और उसके बाद मैं जाऊंगी। सो स्किन केयर मैंने पूरा कर लिया, यही है मेरा सारा दिन, मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, सब मैंने अपने बारे में आज बताया आपको, अपनी फैमिली वालों के बारे में नहीं बताया। सो और आपको क्या देखना है मेरे बारे में या मेरी लाइफ के बारे में, मुझे कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।